Good morning all of you. Today I am explaining you EBS lesson Understanding My Body. हमने पहला जो लेसन सीखा था मोर अबाउट माई सेल्फ, उसके बाद आज हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग माई बॉडी जो हमारा सेकेंड चैप्टर है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी सबको पता है. आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो ना, मिरर मतलब कांच अरीसा जिसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं. तो देखते हैं कि हमें भगवान ने कितनी सुंदर दो आंखें दी है, एक नाक दिया है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, तो वी हैव अ वंडरफुल बॉडी. अगर आप सोचो तो कि भगवान ने हमें दो आंख दी है, उसकी जगह पे एक आंख दी होती, दो नाक दिया होता, व्हाट हैपन जब जुकाम होता तो एक नाक को हम संभालते संभालते थक जाते, तो दो नाक को उस टाइम पे कैसे साफ करते. तो भगवान ने कुछ भी हमें दिया है यानी कि हमें जो भी बॉडी दी है इट इज अ वंडरफुल बॉडी. हम आंखों से क्या कर सकते हैं, नाक से क्या कर सकते हैं, हाथ से क्या कर सकते हैं, हम हमारी पूरी बॉडी से पूरे दिन का पूरा काम कर सकते हैं. तो आज हम जो सीखेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग माई बॉडी. हम लोग अपने आप में इतने स्पेशल है कि हम हमारा काम खुद से कर सकते हैं. आज हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, मशीन. तो मशीन क्यों है, क्योंकि हम पूरे दिन का काम अपने आप करते हैं. जैसे कि हम हाथ से खाना खाते हैं, खेलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. पांव से हम क्या करते हैं तो चलते हैं, मुंह से क्या कर सकते हैं तो बोल सकते हैं. तो हमारी पूरी बॉडी मशीन की तरह पूरे दिन काम करती है. सेकंड थिंग, हमारी जो बॉडी है उसके कितने पार्ट्स है, जो बाहर दिखते हैं सिर्फ उतने ही पार्ट्स है, नहीं, ये तो सिर्फ बाहर के पार्ट्स है यानी कि जो आउटर साइड दिखते हैं उसे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स कहते हैं. जो बॉडी पार्ट्स है हमारे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स. अब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स से तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर कांच के सामने खड़ी रह जाऊं, आज आप लोग खड़े रहना कांच के सामने और देखना कि बाहर की साइड पर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे दिखते हैं, वो सारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स बोले जाते हैं. याद रखना जो बाहर की साइड दिखते हैं, जैसे कि मेरी आंख दिखती है, नोज दिखता है, हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन. लिसन कैरफुली, जो हम बाहर की साइड पर देख सकते हैं उसे एक्सटर्नल यानी कि बाहर के बॉडी पार्ट्स कहते हैं. अब आगे इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स. इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गेन. इन मतलब क्या होता है, अंदर. आप लोगों ने सीखा है ना इन आउट सब कुछ, तो इन माने क्या होता है, अंदर. अंदर माने इंटरनल बॉडी ऑर्गेन. ये सब मैंने आपको बताया, मेरे को आम सही है सब है, ये तो बाहर की ओर से दिख रहे हैं, पर जो अंदर के बॉडी पार्ट से वो दिखते नहीं है, पर उसके बिना हमारी बॉडी का काम होता नहीं है. फर्स्ट आई विल शो यू ब्रेन. लुक एट द ब्रेन पिक्चर. ये क्या है ब्रेन. ब्रेन कहां पे होता है, वेरी सिचुएटेड, एवरीवन नोस. ब्रेन हमारे दिमाग, ब्रेन माने दिमाग, वो हमारे सर के अंदर होता है. वो बाहर लटकता दिखता है आपको, ऐसा कोई दिख रहा है यहां पे लटकता हुआ, नहीं दिखता है. तो वो कहां होता है, वो हमारे सर के अंदर होता है. और वो क्या करता है, वो हमें सोचने की ताकत देता है. हम कुछ भी चीज सोचते तो किससे सोचते हैं, ब्रेन से. किससे सोचते हैं, ब्रेन से. अगर मुझे, मैं चल रही हूं, मुझे पांव में थोड़ा भी कुछ चुभ जाए तो तुरंत से कहां पर लाइट होती है, मेरे ब्रेन में, कि मुझे पांव में कुछ हुआ. पांव तो मेरा कितने नीचे है तो भी कहां पे तुरंत लाइट होती है, ब्रेन में. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन,
बॉडी को सोचने का मौका देता है, सोचने के लिए तैयार रखता है। जैसे कि मम्मी ने बोला है कि कल मैं हलवा बनाऊंगी, तो हम जैसे ही घर में एंटर होते ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी कल तुमने बोला था हलवा बनाने के लिए, आपने क्यों नहीं बनाया। तो ये सब याद कौन रखता है? ब्रेन रखता है। कौन रखता है? ब्रेन। तो वो क्या करता है? हमें सोचने की ताकत देता है। और उसका शेप कैसा होता है? वॉलनट। सबने खाई होगी वॉलनट। वॉलनट माने क्या होता है? अखरोट। क्या होता है? अखरोट। आप अपने मम्मी पापा को बोलना आपको अखरोट दिखाएंगे, देख लेना ये शेप। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्रेन का जो फंक्शन है वो हमें सोचने के लिए तैयार करता है और वो हमारे सर के अंदर होता है। तो फर्स्ट इंटरनल बॉडी पार्ट इज अ ब्रेन एंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अगर दिमाग ही नहीं होता तो हम क्या करते? सोचो तो कुछ कर पाते हैं दिमाग के बिना? नहीं। अब सेकंड, HEART, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द HEART? हार्ट। क्या है इसका मतलब? हार्ट। आप अपने लेफ्ट साइड पर हाथ रखो तो हमारा हार्ट कहां पे होता है? हमारी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पर हार्ट होता है। और हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या करता है पता है सबको? यहां पे ध्यान देना, ये बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। लुक एट द बॉडी, ये हार्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हार्ट हमारी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक ब्लड सप्लाई करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? तो हार्ट क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अगर हार्ट काम करना बंद हो जाए तो फिर हमारा भी काम बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद। यानी आपको पूछे, कोई एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो हार्ट क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब सेकंड, लंग्स, LUNGS, लंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लंग्स? लंग्स माने फेफड़े। आप अपने हाथ ऐसे क्रॉस करके रखो तो जल्दी, हाँ रखा ना, तो दोनों साइड पर हमारे लंग्स आए होते हैं। लंग्स माने फेफड़े। ये रहा पिक्चर लंग्स का। अब ये कैसा होता है और लंग्स का क्या फंक्शन है? फंक्शन मतलब काम, याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन? तो फंक्शन मतलब काम। लंग्स का यही काम है कि वो हमें ब्रीथिंग सिस्टम में हेल्प करता है। ब्रीथिंग सिस्टम मतलब क्या है? तो हम सांस लेते हैं ना, जैसे कि मैंने दी सांस ली, ब्रीथ लिया और छोड़ा, तो इसका काम क्या है? हमें ब्रीथिंग में हेल्प करना। क्या करना? हेल्प करना। ब्रीथिंग मतलब ये क्या है? एक बलून की तरह होता है। लंग्स किसके तरह होता है? बलून। बलून देखा है ना सबने, तो बलून में जैसे कि हम हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है और हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, वैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स यानी फेफड़े फूल जाते और जैसे ही सांस छोड़ते वैसे वो सिकुड़ जाते हैं। यानी लंग्स क्या होता है? लंग्स में हवा भरी होती है और वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथिंग सिस्टम। देखो हमने तीन पढ़े, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। नाउ स्टमक। सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टमक? स्टमक मतलब पेट। स्टमक मतलब पेट। हम दिन भर जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? तो पेट में। कहाँ जाता है? पेट में। आप यहाँ पे हाथ रखते हो है ना, कभी भूख लगती है तो पेट में से आवाज आती है ना, गर्र गर्र करके आती है कि नहीं आती है? हाँ हाँ। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना कहाँ पे जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक क्या है? एक पोटली है। क्या है? पोटली। जैसे कि हम कहीं पे भी सामान लेने जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं, बैग में हम हमारा जो भी सामान होता है वो डालकर लेकर आते हैं, वैसे भी हम दिन भर जो भी खाना खाते वो सारा खाना कहाँ पे जाता है? स्टमक में। कहाँ पे जाता है? स्टमक में। यानी कि स्टमक के अंदर हमारा खाना पचता, डाइजेस्ट, हजम होता
है. तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. नाउ बोन्स एंड मसल्स. बोन्स एंड मसल्स देखो मेरे सामने यहां पे, ये क्या है? स्केलेटन. क्या है? स्केलेटन. स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, हड्डियों का ढांचा. स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा. अब आप अपने आप को हाथ पकड़ो अपना, चलो यहाँ पे जोर से प्रेस करो तो आपको कुछ लकड़ी जैसा लग रहा है. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? तो ये बोन्स है, हड्डी है. क्या है? हड्डी. तो हमारी पूरी बॉडी में आपको पता है कितनी हड्डी होती है? हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. ये रहे, कितने बोन्स होते हैं? तो 206 बोन्स पूरी बॉडी में होते हैं. ठीक है? पर ये क्या हम ऐसे ही चलते हैं? ये स्केलेटन की तरह चलते हैं? नहीं. उसके ऊपर क्या दिया है? आप प्रेस करो चलो अपने हाथ को, तो अंदर तो आपको एकदम दिखेगा हड्डी बोन्स, पर उसके ऊपर ये नर्व नर्व दिखेगा. व्हाट इज दिस? इट इज अ फ्लैश, यानी कि मसल्स. इसे क्या कहते हैं? मसल्स. हमारी पूरी बॉडी मसल्स यानी कि फ्लैश. फ्लैश मतलब मांस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे ढकी हुई है. उसे क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. बोन्स माने हमारे पूरी शरीर में हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर भगवान ने सुंदर सा स्किन दी हुई है, उसे मसल्स कहते हैं. अब अगर हम ऐसे हड्डियों का ढांचा लेकर चलेंगे तो कैसे लगेंगे, सोचो तो, है ना? तो फिर बोन्स एंड मसल. और हमारी पूरी बॉडी में मैंने बताया कि कितने बोन्स होते हैं, तो 206 बोन्स होते हैं. अब हमें आगे सीखना है इसमें जॉइंट. जॉइंट मतलब क्या? अगर मेरी पूरी ये हाथ है मेरा, इसमें यहां से यहां तक हड्डी होती तो मैं हाथ ऐसे मोड़ सकती नहीं, क्योंकि हड्डी तो सीधे ही रहती. देखो यहां से यहां तक है, तो मैं ये बीच का पोर्शन है इसे मोड़ सकती हूँ यहां से यहां तक? नहीं. पर मैं यहां से हाथ को मोड़ सकती हूँ. मैं आप सब लोग कहां से हाथ को मोड़ते हैं? यहां से. तो इसे क्या कहते हैं? जॉइंट. क्या कहते हैं? जॉइंट. वेयर टू बोन्स आर मीट इट इज कॉल्ड जॉइंट. टू बोन्स यानी कि देखो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का बोन्स जहां पे मिलता है, यहां पे मिलता है, यहां से मैं हाथ मोड़ सकती हूँ, उसे जॉइंट कहते हैं. जैसे ही मेरा पैर है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो मैं कहां से मोड़ूंगी? मेरे नी से, मेरे घुटनों से. तो इसे क्या कहते हैं? जॉइंट. फिर से याद रखना, जहां पे टू बोन्स आर मीट उसे जॉइंट कहते हैं, यानी दो हड्डी जहां पे मिलती है उसे जॉइंट कहते हैं. लिसन केयरफुली, मैंने अभी आपको समझाया एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट? तो जो बाहर दिखते हैं उसे एक्सटर्नल कहते हैं, एंड इंटरनल बॉडी पार्ट. इंटरनल बॉडी पार्ट मतलब ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टमक एंड बोन्स एंड मसल. अब हमें सीखना है फाइव सेंस ऑर्गेन. सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है फाइव सेंस ऑर्गेन. फाइव सेंस ऑर्गेन मतलब आईज. आईज है जिससे मैं सब कुछ देख सकती हूँ, यानी आईज टू सी. सेकंड ईयर, ईयर टू हियर. कान से मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी मुझे सुनना है वो मैं सुन सकती हूँ. सेकंड वन नोज. नोज इज अ नोज टू स्मेल. तो अच्छी बुरी जो भी स्मेल होती है वो किससे आती है? नोज से आती है. जैसे कि मम्मी ने हलवा बनाया, घर में एंटर करते हैं वैसे ही पता चलता है ना, हाँ इसको घर में कुछ बहुत मस्त बना हुआ है. तो वो किससे पता चलता है? नोज से पता चलता है. फोर्थ इज अ टंग. टंग माने जीभ. जीभ से क्या पता चलता है? टेस्ट. जैसे कि हम कोई स्वीट खाते हैं, है ना, पिज्जा खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? तो हमारी टंग से पता चलता है. टंग्स टू टेस्ट. वो कितना मस्त लगता है, पर अगर दवाई आ जाए तो उसका टेस्ट कैसे लगता है? करेला आ जाए तो उसका टेस्ट कैसे लगता है? तो वो सब हमें किससे पता चलेगा? टंग से. एंड फिफ्थ वन इज अ स्किन.
स्किन टू टच। देखो ये आपकी बॉडी के ऊपर जो ये लेयर लग रहा है उसे क्या कहते हैं, स्किन। यहाँ पे छोटी सी चिमटी भी काटो तो किसे पता चलता है, हमारी स्किन को पता चलता है। तो स्किन टू टच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, हमारी पूरी बॉडी में जो लार्जेस्ट पार्ट है यानी कि सबसे बड़ा पार्ट से वो कौन सा है, स्किन। आपकी पूरी बॉडी पर स्किन है ना, स्किन के बिना बॉडी है नहीं। अगर हम गिर भी जाए तो अगर छिल जाता है तो वो कितना दर्द करता है, जब तक कि स्किन नहीं आए तब तक। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो है स्किन। क्या है, स्किन। तो आज हमने सीखा अंडरस्टैंडिंग माय बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के बारे में हमने सीखा कौन कौन से पार्ट्स बाहर है, कौन कौन से पार्ट्स अंदर है, और अंदर रहकर भी वो सारे पार्ट्स क्या काम करते, अगर ये पार्ट्स ना हो तो हम जिंदा रह सकते नहीं है, इसके बिना हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। अगर बोन्स हड्डी ना हो तो ढांचा कैसे रहेगा, कैसे नहीं। हम बैठ नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, यानी हमारी बॉडी में बोन्स एंड मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टमक, खाना कहाँ डालेंगे, खाने के लिए हमें स्टमक चाहिए जो अच्छा खाना डाइजेस्ट करता है और थोड़ा वेस्ट होता है उसे निकाल देता है। लंग्स, तो ब्रीथिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट, हम अगर सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। हार्ट, पूरी बॉडी में खून तो चाहिए ही, ब्लड के बिना हम रह सकते हैं, अगर थोड़ा भी खून कम हो तो डॉक्टर बोलते हैं ना ये खाना खाओ वो खाना खाओ, है ना। तो हार्ट तो इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट इज ब्रेन, ब्रेन के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। यानी सारे बॉडी पार्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन अवर बॉडी एंड उनके अलग अलग काम है जो परफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। समझ में आ गया आप लोगों को। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने सीखा था अंडरस्टैंडिंग माय बॉडी लेसन के लिए हमने समझा था, आज मैं उसके आपको हार्ड वर्ड समझा रही हूँ। SPECIAL स्पेशल, स्पेशल मतलब क्या होता है, खास। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत, हमें भगवान ने बहुत सुंदर यानी कि अद्भुत वंडरफुल बॉडी दी है। DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग। ग्रीटिंग कार्ड, जैसे कि दिवाली होती है तो हम सबको कार्ड भेजते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड। MACHINE मशीन, आप लोगों ने मशीन तो देखी होगी ना, जैसे कि आपके घर में ही होगा, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, तो वो सब क्या है, मशीन है। क्या है, मशीन। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, इंटरनल मतलब अंदरूनी, हमारे अंदर जो होते हैं उसे इंटरनल कहते हैं। ब्रेन, मैंने अभी आपको सिखाया था ब्रेन मतलब दिमाग। हार्ट, लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े। चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। स्टमक, स्टमक मतलब क्या होता है, पेट। क्या होता है, पेट। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब हजम होना, हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट अगर होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, डाइजेस्ट मतलब हजम होना। स्केलेटन, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा यानी कि हड्डियों का फ्रेम वर्क। मसल्स, तो हमारी हड्डियों के ऊपर जो ये फ्लैश जैसा है यानी कि मांस जैसा है उसे मसल्स कहते हैं। परफ्यूम, परफ्यूम तो सबको पता है, सब लोग लगाते हैं, कहीं घूमने घूमने जाते हो या तो घर में भी होते हो तो छींक छींक करते हो ना, उसे क्या कहते हैं, परफ्यूम। क्या कहते हैं, परफ्यूम। स्नीज, हम कुछ ज्यादा लगा लेते हैं तो हमें छींक आती है ना, उसे स्नीजिंग कहते हैं। आगे है टीकल, टीकल्स मतलब गुदगुदी करना, टीकल्स मतलब गुदगुदी करना। गीगल्स मतलब जोर जोर से हंसना, अगर कोई गुदगुदी करता है तो हम लोग हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं, हाँ, तो गीगल्स मतलब हंसना। गार्बेज, गार्बेज मतलब वेस्ट यानी कि कचरा, उसे क्या कहते हैं, गार्बेज। एंड लास्ट वन इज अ विस्पर, विस्पर मतलब बकबक करना। यहाँ पे एक छोटा सा आपकी बुक में दिया है, जो जो सेंस यानी हमने जो फाइव सेंस ऑर्गन सीखे ना उसमें एक
मम्मी है और उसका बच्चा है, तो ये बच्चा सुबह उठता नहीं है स्कूल के जाने के लिए। आप लोगों को भी मम्मी उठाती है ना, तो उसकी मम्मी उसको क्या करती है, पहले प्यार से उठाती है तो वो नहीं उठता है, उसके बाद उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कती है तो उसको क्या आता है, स्नीज यानी कि छींक आती है, तो भी वो गद्दा ओढ़कर सो जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी उसको गुदगुदी करती है, तो गुदगुदी करती है तो वो जोर जोर से हंसता है पर भी वो उठता नहीं है। उसकी मम्मी बहुत तरीके से उसको उठाने की कोशिश करती है, जैसे आपकी मम्मी आपको उठाती है सुबह स्कूल जाने के लिए जैसे, पर वो बच्चा उठता नहीं है। तो ये जोजो के सेंस ऑर्गेन दिए हुए हैं, और फिर उसकी मम्मी उसको इतना जोर से खिलाती है तब जाके वो जल्दी से उठ जाता है, क्योंकि आप लोग भी उठते हैं तो फिर मम्मी चिल्लाती है ना, डंडा लेकर आती है ना, तब जाके आप बेड पर से उठते हो ना, वैसे उसकी मम्मी भी बक बक करती और तब जाके वो बच्चा आराम करके बैठा हो जाता है और फिर रेडी हो जाता है। तो ये है हमारे सारे हार्डवर्ड। देखो बच्चों, मैंने हार्डवर्ड लिखा है, उस हिसाब से आप ये सेकंड लेसन पूरा रीड कर सकते हो। आपको रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है तो ये हार्डवर्ड के हिसाब से आप लोग रीडिंग की प्रैक्टिस करना, और आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।